राम सेतु। हम सबने राम सेतु के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। राम सेतु पुल भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। समय समय पर इस पुल के इतिहास को लेकर काफी चर्चा हुई है कि ये पुल मानव निर्मित है या समुद्री बदलाव के कारण इस पुल का निर्माण हुआ है। त्रेता युग में जब रावण सीता माता का हरण करके उन्हें ले गया था, तब राम भगवान ने वानर सेना के साथ मिलकर ये पुल बनाया था, जिसको पार करके वो श्रीलंका में गए थे, जो उस समय रावण की लंका हुआ करती थी। कहा जाता है कि ये पुल बनवाने के लिए भगवान राम ने 3 दिन तक यज्ञ किया था। उसके बाद समुद्र के राजा ने प्रकट होकर भगवान राम को पुल बनाने की आज्ञा दी थी। इस पुल को बनाने के लिए हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने पत्थर पर राम नाम लिख कर उन पत्थरों को समुद्र में फेंक दिया था और वो पत्थर डूबने की जगह पानी पे तैरने लगे, जिससे वो पुल बना, जिसे हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। हाल ही में डिस्कवरी चैनल के कुछ वैज्ञानिकों के दावे ने सिद्ध कर दिया है कि ये पुल मानव निर्मित है और इसकी उम्र 7000 साल से ज्यादा है। वैज्ञानिकों के इस दावे से पुल से जुड़ी भक्तों की आस्था और बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये वही राम सेतु पुल है जिसको कांग्रेस सरकार तोड़ने के लिए आमदा थी। सन 2004 में केंद्र में आते ही ये सरकार जल्दी से जल्दी इस पुल को तोड़ना चाहती थी, जिसके विरोध में हिंदू समाज के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ कांग्रेस सरकार ने लिखित हलफनामा डाला था और उसमें कहा था कि राम है ही नहीं, राम कभी थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, तो राम सेतु का क्या अस्तित्व, इसलिए इसे तोड़ देना चाहिए।